दोस्तों मैं हूं अमन कौशिक और बात करते हैं निक डियास के बारे में जो कि वापस आ रहे हैं लगभग साढ़े पाँच साल के गैप के बाद फाइट करने के लिए अगेंस्ट रूथलेस रॉबी लॉलर फॉर्मर यूएफसी एस सी वेल्टवेट रॉबी लॉलर और दोस्तों ये फाइट होगी आने वाले यू एस सी पेपर व्यू इवेंट यानी कि यू एस सी टू सिक्सटी सिक्स एलेक्स और कनाउस की वर्सेज कार्ड पर जो कि होने वाला है सप्टेम्बर पच्चीस को दोस्तों निक डियास का वापस आना एक बहुत ही बड़ी बात है ये अच्छी बात भी है ये दोनों भाई निक डियाज और नेटडियास uh, अपने आप एक यूनिक यू नो यूनिक यूनिक पर्सन है यूनिक पर्सन है हमारे पास सुपरस्टार्ज हैं कॉर्नर हैं हबीब हैं इवन जॉन जॉन्स हैं जो कि फेमस हैं बिकॉज ऑफ देयर अचीवमेंट्स उनके पास मल्टीपल डिफेंसिस हैं उनके पास मल्टीपल बेल्ट्स हैं स्ट्रीक्स हैं बट यहाँ पे ये जो दो भाई हैं इनके पास वो कुछ भी नहीं है उनके पास ना ही बेल्ट है यूएफसी की ना ही उनके पास कोई लंबी सीख है ना ही उनके पास कोई ऐसा कुछ बड़ी अचीवमेंट है बट फिर भी दोस्तों ये दोनों भाई फेमस हैं इन दोनों भाई को देखने के लिए फैंस एक्साइटेड हैं और दोस्तों इसीलिए जबकि हमें पता नहीं है कि जॉन जोन्स कब फाइट करेंगे वी आर नॉट श्योर कि कॉर्नर कब वापस आएंगे और हबीब दोस्तों डेफिनेटली वापस नहीं आएंगे तो ऐसे टाइम पे जहाँ पे एक परफेक्ट टाइम मिला है निक डियास को एंटर करने का एक बार फिर से और दिखाने का कि यस मैं अभी भी हूं और अगर आप देखें ये जो ये जो ये जो कुछ माहौल चल रहा है आजकल पिछले कुछ महीनों से जहाँ पे यूट्यूबर फेमस पर्सन फाइट कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं आई थिंक ये परफेक्ट टाइम है उनको वापस आने का लोग कह रहे हैं कि जेक पॉल वर्सेस टैन वुडली फाइट ने लगभग 1.3 मिलियन बाइज किए हैं 1.3 मिलियन बाइज आई मीन कम ऑन दोस्तों ये दिखाता है कि लोगों का इंटरेस्ट है ऐसी बड़ी फ़ाइट्स देखने का लोग ये बड़ी फ़ाइट्स देख रहे हैं लोग देख रहे हैं कि क्या होगा कि एक बॉक्सर फाइट करे एमएमए फाइटर से क्या होगा कि एक फ़ाइट करे एक यूट्यूबर सो so, जो भी ये इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं पर दोस्तों यू के बाहर भी अब ऐसी बड़ी फाइट्स हो रही हैं और वो परफेक्ट है निक डियाज़ के लिए और नेट डियाज के लिए सो so, वो सही टाइम पर वो आ रहे हैं आई एम श्योर कि उन्होंने ये बात देखी होगी कि हे दिस इज़ परफेक्ट दिस इज़ परफेक्ट मेरे लिए और हालांकि जो कि लास्ट फाइट हुई थी वो हुई थी लगभग छः साल पहले लगभग साढ़े पाँच पाँच साल पहले अगेंस्ट एंडिसन सिल्वा और उस फाइट के बाद जो ड्रग टेस्ट था वो फेल वो कर गए थे बिकॉज ऑफ मेरगवाना और जो कि अब लीगल है हर जगह पे बट उस टाइम पे दोस्तों उनको बैन मिला था पाँच साल का और उनके अपोनेंट सिल्वा भी ये फ़ाइट है इसके बाद जो ड्रग टेस्ट था वो फेल कर गए थे बिकॉज ऑफ ए डेरिवेटिव ऑफ स्टेरॉयड और वो फाइट दोस्तों नो कॉन्टेस्ट हो गई थी और उसके बाद आई मीन उनकी अब कोई फाइट फाइट देखी उठा के आप चाहे वो हो उनकी फाइट अगेंस्ट जी हो अगेंस्ट सिल्वा हो ही इज़ अ यूनिक कैरेक्टर ही इज़ अ यूनिक कैरेक्टर वो फाइट जिस तरीके से खेलते हैं और जो नका, जो उनका अंदाज है मेरे हिसाब से वो बेहतर है उनके भाई से भी ऑब्वियसली जो नेट डिया के पास है वो उनके पास भी है स्ट्रॉग चिन कार्डियो फॉवर्ड प्रेशर आई थिंक फॉर परेश कमज़ोर है शायद अब हो गया शायद निक डियास का बट निक डियास उस टाइम पे आई मीन ही वॉज वेरी टफ़ टू बीट और जो उनके अपोनेंट्स है चाहे वो सिल्वा हो चाहे वो जी एस पी हों सब ने कहा था कि है दिस गाय इज़ टफ़ हालांकि वो बेट नहीं जीत पाए जी ओ सी के अंदर बट ही वॉज़ फॉर्मर चैम्पियन ही वॉज अ चैम्पियन इन स्ट्राइक फोर्स जो कि एक पहले कंपनी होती थी और आई फील कि वो थोड़े से एक ऐसे टाइम पे आए जहाँ पे जो जो कंपटीशन है वो इतना टफ था हमारे पास जीएसपी अपने बिल्कुल पीक पे थे हमारे पास सिल्वा थे जो कि पीक पे थे नॉट पीक पे थे बट एट एटलीस्ट ही वाज स्टिल देयर कि हाँ एक अपनी बेल्ट हारने के बाद ही वाज स्टिल देयर और वो जो बड़ी फ़ाइट्स हैं उनकी वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं वो जो वो जो बिल्डअप है उन फाइट्स का वो दोस्तों बहुत ही अच्छा था और इसीलिए दोस्तों एज ए फैन वी आर एक्साइटेड एज ए और आई एम श्योर कि यू भी बहुत खुश होगी कि वापस आ रहे हैं एंड आई एम श्योर कि जो ये कार्ड है हमारे पास चुका होने वाला है अभी यू सी टू सिक्सटी सिक्स एलेक्स वर्ल्स की वर्सेज ब्रैंड ओटेगा उस कार्ड में यहाँ पे उसको उनको डाल के इस फाइट के इस फाइट को डाल के आई थिंक यू ने बहुत स्मार्ट काम किया है रॉबी लॉलर जुड़ के हैं अपोनेंट इस फाइट के लिए आई मीन ऑब्वियसली ही इज रूथलेस हाँ अब डेफिनेटली थोड़े से वो एक चल रहे हैं खराब फॉर्म से एंड आई थिंक ये परफेक्ट फाइट है बजाय निक डियाज को देना कोई कोई एक करंट एक्टिव फाइटर जो कि बिल्कुल पीक कर रहा है इट्स अ परफेक्ट मैच निक डियाज वर्सेस और दोस्तों निक डियाज वर्सेस रॉबी लॉलर फाइट पहले हो चुकी है एक बार ये फाइट दोस्तों लास्ट टाइम हुई थी 2004 में यू एफ uh, पे और उसके लगभग आप देख लीजिए लगभग पंद्रह सोलह साल बाद ये दोस्तों ये ये फ़ाइट है ये हो रही है सेवेंटीन ईयर्स सॉरी सेवनटीन ईयर्स के बाद लगभग ये फाइट हो रही है दोस्तों क्रेजी क्रेजी दोस्तों आई एम वेरी एक्साइटेड कि वापस आ रहे हैं निक डियाज एंड आई एम श्योर कि जो नेक्स्ट होगा कार्ड वो बहुत अच्छा कार्ड होगा हमारे पास दो बड़ी फाइट्स हैं हमारे पास हैं ऑब्वियसली एलेक्स फोर्कॉस की करंट फेडवेट चैम्पियन जो कि अपनी बेल्ट डिफेंड करेंगे अगेंस्ट ब्रैन टी सी टी ओटेगा हमारे पास हैं वुमेंस फ्लाइवेट चैम्पियन टीनाशन चैनको अपनी बेल्ट डिफेंड करेंगी अगेंस्ट लॉरल मर्फी और हमारे पास है ऑब्वियसली निक डियास फाइट अगेंस्ट रूथलेस रॉबी डॉलर दोस्तों ये थे हमारी वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम